राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने आज राजाखेड़ा के आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया है। आपको बता दें कि ओला और बारिश की वजह से किसानों की जो फसल खराब हुई है उसका मुआयना किया गया है, साथ ही नुकसान का आंकलन भी किया गया है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने आज इन गांवों का दौरा करने के बाद सभी से बात की है। इस दौरे के दौरान राजाखेड़ा तहसीलदार दिनेश चंद, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, जादौन पटवारी विजय सिंह, रविंद्र सिंह, भगौर गिरादवर आदि अधिकारी भी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मुआयने की रिपोर्ट तैयार कर पेश की जाएगी, जिससे किसानों को मुआवजा मिल सके, कुछ किसानों की आर्थिक मदद भी हो जाएगी। साथ ही राजाखेड़ा तहसीलदार दिनेश चंद ने पटवारी और गिरदावरों को निर्देश दिया कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए और शासन को भेजी जाए। राजाखेड़ा से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। परसों रात को राजाखेड़ा की 3 पंचायतों में ओले गिरे, समोना, खुड़ला और नादोली। नादोली के कुछ गांव पूरी तरह से इफेक्टिव हैं, समोना पूरी पंचायत में हर गांव इफेक्टिव है और खुड़ला में भी मेजर गांव में खराबा बहुत ज़्यादा हुआ है। खुड़ला गांव में थोड़ा सा कम खराबा है, कुछ खेतों में ही है, पीछे के खेतों में नहीं, आई खेतों में। तो जिला प्रशासन कल घूम लिया था, जब मुझे पता पड़ा तो मैं आज आया और मैंने पूरे गांव का दौरा कर लिया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराने की कोशिश करेंगे। तहसीलदार पटवारी सब अपने कामों पे लग गए हैं, सब जगह गिरदावरी चल रही है। हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को चली जाएगी और हम सोचते हैं कि इस महीने के आखिर तक हम पोर्टल पे सभी फार्मर्स का, जिन जिन का नुकसान हुआ है, 7 अप्रैल तक हम इन सबको पोर्टल पे चढ़ा देंगे, जिससे कि 2 महीने बाद मई तक इनका पैसा इनके अकाउंट में आ जाए।